ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसमें स्नान करने के बाद जीवन में पाप नहीं रहते, उसके पापों का विनाश कर देती हैं। महाभारत में एक जगह प्रसंग आया है कि ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसमें स्नान करने के बाद जीवन में पाप नहीं रहते, क्योंकि लोग गंगा जी में नहाने के बाद भी पाप करना तो नहीं छोड़ते, क्योंकि यदि कोई गंगा जी में स्नान कर ले तो कहा जाता है पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर व्यक्ति मुक्त होने के बाद पाप कर्म क्यों नहीं छोड़ता? ऐसा नहीं है कि महाराज गंगा जी में वो प्रबलता नहीं है, गंगा जी में वो पावनता है कि व्यक्ति को मुक्त कर देती हैं, उसके पापों का विनाश कर देती हैं, पर किंतु व्यक्ति भाव से नहीं गया। एक बार शिव पार्वती, भगवान शिव भोलेनाथ माँ गंगा की प्रशंसा कर रहे थे कि गंगा बड़ी पावन है, बड़ी करुणामयी है, जो भी जाता उसे पापों से मुक्त कर देती हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि तो प्रभु एक बात बताइए, जब गंगा जी इतनी पवित्र हैं, क्योंकि पार्वती जी की तो बड़ी बहन मानी जाती है गंगा, कौन है? बड़ी बहन है। और शास्त्रों में तो ये कहा है कई जगहों पर कि माँ गंगा को स्वयं भगवान शिव ने ग्रहण किया है, वो जटाओं वाली बात नहीं, उससे पहले जब हिमाचल के यहां गंगा का जन्म हुआ पार्वती जी से पूर्व, तो यहां भगवान शिव ने ग्रहण किया है, क्योंकि वो सती का अर्ध रूप था मां गंगा के रूप में। तो मां गंगा की इतनी पवित्रता को सुनकर पार्वती जी ने कहा इतने लोग स्नान कर रहे हैं तो फिर नरक के दरवाजे बंद होने चाहिए, यहां तो नरक भरा पड़ा हुआ है, फिर ये गंगा जी में स्नान करने से इनको लाभ क्यों नहीं मिलता? महादेव कहने लगे सब जाते हैं लेकिन गंगा की निर्मलता को हर कोई नहीं जान पाता, विश्वास किसी को नहीं होता, महाराज जाते तो सब है। पार्वती जी ने कहा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? महादेव कहते चलो अभी हम दिखाते हैं। महादेव जी आगे, महाराज गंगा दशहरा था, हरिद्वार में बड़ी भीड़ लगी हुई थी, सब लोग जा रहे, कपड़ा उतार रहे, हर हर गंगे करके डुबकी लगा रहे। इतनी भीड़ देखकर पार्वती जी कहने लगे इतने सारे लोग, ये तो सब स्वर्ग ही जाएंगे क्योंकि ये तो गंगा जी में नहाने वाले हैं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, इनमें से कोई एक जाएगा, ये सारे के सारे नहीं जाएंगे। क्यों? बोले अभी बताते। महादेव ने तुरंत एक वृद्ध पुरुष का शरीर बनाया और पार्वती जी वृद्धा बन गई और कहा देखो मैं कीचड़ में जाऊंगा वहां पर और तुम यहां से आवाज लगाना, कोई बचाओ मेरे पति को बचाओ, जब कोई बचाने आए तो कहना कि बस वही बचा सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पाप ना किए हों, तो देखते हैं कितने बचाते हैं अपने को। अब महादेव महाराज घुस गए वहां कीचड़ में और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। अब यहां पार्वती जी वृद्धा के रूप में, बुढ़िया के रूप में थी, लोग इकट्ठे हुए, अरे उस बूढ़े को बचाओ बूढ़े को बचाओ। तो लोग आते, पार्वती जी कहती अरे कोई बचाओ बचाओ मेरे पति को बचाओ। तो लोग आते तभी पार्वती जी कह देती कि देखो उसको तभी हाथ लगाना जब तुमने कोई पाप नहीं किए हैं, यदि उसे हाथ लगा दिए तो तुम्हारे सिर के दो टुकड़े हो जाएंगे। अब महाराज कोई ना जाए, बड़े बड़े साधु आए, बड़े बड़े सन्यासी आए, देखते हैं पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। खूब लंबी चौड़ी भीड़ लग गई, सब देख रहे हैं बाबा धसा जा रहा है धसा जा रहा है, पर कोई बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि शर्त ही ऐसी है कि बाबा को हाथ लगाते ही सिर के दो टुकड़े हो जाएंगे, केवल वही बचा सकता है जिसने अपने जीवन में पाप ना किया हो। तभी महाराज नाली कला का एक किसान आदमी गया हरिद्वार, और जैसे ही गया और उसने महाराज देखा भीड़ किस बात की लग रही है, और जैसे ही देखा कि भीड़, पूछा भैया क्यों ये बाबा कहाँ से, इसको बचाते क्यों नहीं? बोले बाबा को बचाने के लिए तो सब तैयार हैं लेकिन बाबा के साथ जो उनकी धर्म पत्नी, उनकी शर्तें देख के सब बाहर हो गए। बोले क्या शर्त है? बोले ये शर्त है कि कोई भी वही व्यक्ति बचा सकता है जिसने कभी पाप ना किए हों, नहीं तो जो इसे छुएगा दो टुकड़े हो जाएगा। उस महाराज सीधे साधे गांव के किसान ने तुरंत अपने कपड़े की पोटली साइड में धरी
तुरंत गया गंगा जी में स्नान किया, दौड़ के बाबा को पकड़ के बाहर निकाल लाया। बड़े बड़े सन्यासियों के मुंह पे उंगली धर गई, महाराज ये किसान आदमी ना कोई जप तप ज़्यादा करने वाला दिख रहा है, ना कोई भगवान की भक्ति करने वाला दिख रहा है, या हम जप तप करके मारा मरे जा रहे हैं, हमसे तो निकला नहीं और ये निकाल लाया। तो सब किसान ने, किसान को घेर के सबने पूछा, क्यों भाई तेने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए? बोले किसने कहा, अवश्य किए हैं, लेकिन मैंने सुना है गंगा जी में स्नान करते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैंने कोई पाप नहीं किया। अब बताइए, इतना विश्वास गंगा जी के किनारे पर खड़े होने वाले एक व्यक्ति के अंदर नहीं था। अब जब नहीं था, इसीलिए महाराज उन पर वो गंगा जी का स्नान का फल असर नहीं करेगा। किन पर करेगा? जिनका श्रद्धा और प्रगाढ़ विश्वास है उस पर। इसलिए कहते हैं, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रव ही न राम। कि जिनके पास विश्वास नहीं है और विश्वास से पूर्ण भक्ति नहीं, वहां भगवान कभी भी द्रवीभूत नहीं हो सकते, उस भक्त की ओर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका भाव ही नहीं है कि जो उनको खींचे।